हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी देर से कहाँ चल के जा रहे थे। ये एक बीच का एरिया है यहीं पे क्लिफ्टन पे, जो साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जो है, चाइनीज़ पोर्ट भी जिसको कहते हैं, उसके साथ है। ये खुला था कुछ अरसा पहले, 2-3 साल हो गए, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था और अब ये दोबारा खुल गया है पब्लिक के लिए। यहाँ हमें बहुत चीज़ें नज़र आई हैं, ये जैसे कश्तियाँ हैं, इन पर कांटे लगाए हुए हैं मछेरों ने कि कोई और ना इस्तेमाल करे, और मछेरे वगैरह भी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम तो आ सकते थे पर पब्लिक के लिए ये इलाका बंद था। अब आप इसकी भी सैर करें मेरे साथ। वाह, ये क्या आप लोग मछली मिली है यहाँ से? ये वो है जिसको खाद बनाते हो आप, है ना? क्या कहते हैं इसको भाई? मीट मुर्गी का फीड बनता है। मुर्गी का फीड बनता है? अच्छा, ये यहाँ से मिलता है? अच्छा, वो जो जाल डाल के वो ला रहे हैं। अच्छा, कितने का होता है ये? आप लोग कहीं बेचते हैं इसको? ये बेचते हैं हम लोग। इसमें यूं ही आ जाती है ये छोटी सी। अच्छा, यहाँ इतनी मछली है? ये कब खोला? ये तो बंद था ना? ये बंद था, ये 1 साल से खुल गया। जी जी भाई, 1 साल से खुल गया। 1 साल पहले खुला है? जी जी। अच्छा, मुझे अभी मालूम पड़ा। अच्छा, मैंने तो सुना था कि नहीं, 1 साल पहले मैं आई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं लोगों के लिए बंद है। अभी खोला है? मेरे ख्याल से दोबारा खोला है, 1-2 हफ्ता हुआ है। नहीं, पूरा 1 साल हो गया। सर आप लोग आ जाते होंगे साल वगैरह, लोग पब्लिक जो है गाड़ियों में, मेरा ख्याल से हम लोग को तो बोला था कि नहीं है, है ना? तो पेट को पकाते रह रहे हैं ना जी, हम लोग तो अपने रोजगार की। वो आप लोग तो, आप लोग के लिए तो खुला था ना, पिकनिकर्स के लिए ये नहीं था खुला? 1 साल हो गया, खुल गया ये सारी पब्लिक। अच्छा, ये अच्छा, तो ये तो आप जो फीड बना रहे हैं इसको इतना साफ क्यों कर रहे हैं? सारा यूं साफ करें, वो अलैदा बेचेंगे, ये अलैदा बेचेंगे। क्या अलैदा? अच्छा अच्छा, ये बड़ी मछली अलैदा है, और वो क्या है? वो श्रिम्प है, झींगे टाइप चीज है। अच्छा, ये अलैदा है। अच्छा, इसको तो वो भी बेट भी बना सकते हैं और मछली पकड़ने के लिए, है ना? कांटे पे भी लगा सकते हैं चारा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये मुर्गी का खाना है? भाई ये देखो जेली फिश है, ये तो आप इसको हाथ लगाओगे आपको खारिश नहीं हो जाएगी? नहीं, हम लोग तो इसके मतलब आदी हो चुके हैं, मगर होती है ना, फिर भी इसको। और आप लोग को आदत है? आदत हो चुकी है। क्या चीज, क्या चीज? अच्छा, ये भी कुछ है? What do you call it? Stingray. अच्छा, ये इस्तेमाल होता है? ये जाता है। कहाँ जाता है? बाहर जाता है। अच्छा, इसमें देखो वो स्पॉटेड भी है। वाह, वो भी वही कर रहे हैं। वाह, जबरदस्त, इसमें भी यही है। वाह, नाइस। बच्चे स्कूल से भी आए हुए हैं बेटा, हाथ में खारिश हो जाएगी, नहीं लो। आपको कब पता चला ये जगह खुल गई है? कितने दिनों से खुली हुई है? 2 साल हो गए। नहीं नहीं, 2 साल में बीच में बंद भी की थी ना? नहीं, जी भाई, खुली हुई है। क्या क्या? आवाम जो है उनके लिए बंद है। अच्छा, माइकिल जो है उनके लिए अलाउ। अच्छा, मगर अभी अब तो आवाम भी आ रही है वहाँ पे, गाड़ियाँ अब आ सकते हैं उनके लिए फ्री कर। अच्छा, तो पहले बंद क्यों की थी? अच्छा, पोर्ट की वजह से। तो बेचारे हम लोग क्या कर लेंगे? हादसा हो चुका है ना? कैसा हादसा? चाइनीज को मारा है, मोबाइल वगैरह। अच्छा, वो हादसा? वो हादसा थोड़ी है, वो तो इधर की है ना इन लोगों, वो तो क्राइम है, तो इधर किया इसीलिए बंद। अच्छा अच्छा, आवाम ही नहीं आएगी तो। अच्छा अच्छा, तो अब खौफ नहीं है किसी को? अब कोई भी नहीं है, वो चले गए। कौन चले गए? चाइना चले गए? चाइना चले गए। अच्छा, अरे ये और मछली आ रही है, वो देखें। अच्छा, जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सुबह सुबह आते हो? अजान के टाइम पे। अब तो फिर वापस कब जाते हो? 2-3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। अच्छा, जैसे हमें अपना। हाँ, बंदोबस्त। अच्छा, फिर कहाँ बेचते हो आप जाके? फिशरी में बिक जाता है? चलें, अच्छा, अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा इसका मिले।
बदले में पैसे आपके। ओह ये फर्क है। अच्छा ये आप लोग ने साफ कर दिया है, ये साफ कर दिया इन्होंने। सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर जैसे चांदी की हो, चांदी। हाँ, और ये बिल्कुल ये लाइक बेट, एंड दिस इज एक स्मॉल टाइनी 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 फिश। There's some big ones also इसी के अंदर, बड़े भी हैं उसमें। मुझे ये तो लग रहा जैसे ये बीच में एक छोटी पॉफरेट पापलेट मछली भी बीच में नजर आ रही है। कहाँ पड़ी है? हाँ वहाँ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी यूँ बड़ी मछलियाँ भी बीच में आ जाती है, कह रहे हैं लोग फिशरी में निकाल देते हैं वहाँ पे। हाँ दिस स्क्विड ऑल्सो, सो यू ऑल्सो गेट बिगर फिश। बड़ी मिल जाती, बहुत ही खूबसूरत लग रही है चांदी की। अच्छा ये क्या है? इसके अंदर और इसके बच्चे हैं। आप लोग भी पिकनिक पे, बच्चा पार्टी, पानी में नहीं जा रहे? आपको इस जगह का पता था? हाँ, ये तो करीब पड़ते ना हम लोग। आप अच्छा करीब रहते हो? अच्छा मजा आ रहा है बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है आपको? पानी में नहीं जाना, स्विमिंग तो नहीं करनी, मछली तो नहीं बनना? हाय सदके छोटे है ना बच्चे। चले जी एंजॉय करे, गुड। वो एक शिप सामने अगर आपको दिख रहा हो, देयर इज अ शिप व्हिच इज अ डॉट राइट नाउ, बट हियर आई एम फोकसिंग ऑन इट एंड ज़ूमिंग इन, एंड इट इज एंटरिंग आवर पोर्ट। सब इट इज ऑल वेरी वेरी नियर फ्रॉम हियर, क्वाइट क्लोज। और मुझे जो यहाँ के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा है कि ये अक्सर बंद कर देते हैं जब कोई इशू हो, कोई सिक्योरिटी रिस्क हो, सो दे डू क्लोज ऑफ दिस प्लेस। बट दीज डेज इट्स ओपन, यू सी ऑल दोज क्रेन्स देयर। दिस इज द ब्रेक वाटर। हाँ दिस इज द ब्रेक वाटर, एंड देयर आर द पिकनिकर्स हु कांट बिलीव they have this beach, this place all to themselves. जैसे यहाँ बस ये इन्हीं के लिए जगह है, पूरा सी व्यू है वहाँ पे, मगर वहाँ वो बात, इतने लोग, कौन कौन लोग आए होते हैं आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द भी, उधर आपको इतना मज़ा, इतनी प्राइवेसी, इतना पानी साफ। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक साफ़ सुथरे पानी की ना खुशबू भी आ रही है, उस सड़े हुए कचरे टाइप की स्मेल नहीं आ रही है। इट्स वेरी, वाटर इज़ क्लीन हेयर, साफ लग रहा है। ये कोई पुरानी बोट्स वगैरह यहाँ पे किसी ने डंप कर दी है, अब किसी को चाहिए नहीं। इशू ये था कि ये रास्ता इसलिए बंद था बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। मगर अभी कह रहे हैं आजकल इट्स ओके, चलें हम लोग अब इस वक्त इतने ख़तरनाक शायद नहीं लग रहे, तो हमें आने दे दिया है। कुछ लोग तो आगे जाके वो ब्रेक वाटर पे आगे तक जो है बाइक्स पे जाके ना वो उस पर चढ़ते हैं, इतनी धूप में गर्मी में इसमें मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वहाँ तक जाने का, पर वो भी है ऑप्शन। वी आर सो लकी कराची में, पाकिस्तान में हमारे पास इतनी बड़ी शोर लाइन है, समुंदर है,
अगर नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पहाड़ है तो हमारे पास समुंदर है, अरेबियन सी। वो देखिए शिप जो मैंने आपको बताया था वो पोर्ट में आई थॉट एंटर हो रहा है बट आई थिंक इट्स लीविंग। करीब तो आ नहीं रहा, वो तो दूर से दूर हो रहा है। अल्लाह ना करे कि हमारे हैंगडोंग की तरह कहीं से ड्रिफ्ट हो के यहाँ आ जाए, पर वो जा रहा है। ठीक है भाई जाओ, खैर से जाओ। पोर्ट सिटी फाउंटेन भाई, वहाँ पे एक फाउंटेन था जो केपीटी ने लगाया था, दूर से दिखता था फवारा, अब वो नहीं काम कर रहा है। काश वो काम करना दोबारा शुरू हो जाए तो और मज़ा आ जाए। तो ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रहे थे, रानी डिश है, मैंने और किया था, चुल्लू कबाब, और ये मेरे साथ करीब आई थी। बाय बाय।